झंडा मुसलमान के एरिया में लगा गया है और गाड़ी मकान पे लगा के गया था और सुबह आके देखता हूँ तो गाड़ी फोड़े मेरी तो। मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनसे कोई लेना देना न करे, मुसलमानों से संबंध न रखे, या आम पब्लिक में बता दे। हम लोगों गलत न्यूज दिया है तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के स्थिर ये आदमी ने झूठे मैसेज दे के हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने का ये तरीका कर रहा है। कौन न्यूज वाला जो हमारे मुसलमानों के लोग सोए थे तब वो टाइम को आको यहाँ आको पथराबाजी करे, हमें पथराबाजी करे चे तो उन्हें प्रूफ करके हमें ना दिखाना पथराबाजी कहाँ करे सो। और मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, 80% लोग है इधर उनके अदर कास्ट के और मुस्लिम 20% है, मुस्लिम 20% होके ऐसा कई को कर रहे हैं करके उन्हें पूछ रहे, लेकिन मीडिया वाले गलत फहमी फैला रहे सब तरफ। उन्हें आपको इधर हमारे घर का दरवाजे को तलवार से मारे और लकड़ी से घर के ऊपर खतरे फेंके और हमारे दुकान के कुंडी भी तोड़े हैं। मुल्क में मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश के तहत नफरती माहौल को बनाया जा रहा है। बेलगाम जिला हुकेरी तालुका में सोलापुर करिया है जहां अरसे से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते आ रहे हैं, पर पूरे मुल्क में जिस तरह नफरती माहौल का असर देखने को मिल रहा है अब हुकेरी के सोलापुर में भी देखने को मिला। अब गाँव के पाटिल जिन्हें गाँव के मुखिया कहा जाता रहा, गांव करिए के जो भी छोटे बड़े मामले होते तो उन्हीं के पास मुख्तलिफ समाज के लोग पुलिस थाने में जाने से पहले वहां जाया करते थे और वहां इंसाफ भी उन्हें मिलता था, पर अब लोगों को वहां उम्मीद नजर नहीं आ रही क्योंकि अब गांव के पाटिल भी अकलेती समाज के खिलाफ जाते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। जैसा अब यूपी बिहार गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम समाज का बायकॉट करने के वाकये देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह का मामला बेलगाम के करीब सोलापुर जैसे छोटे गांव में फिरका परस्तों की जानिब से ऐलान किया गया, ऐसा बताया गया। यहां के गांव वालों ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि दशहरा के जुलूस में नफरती गाने और एक समाज के विरोध में तोहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे यहां पर तनाजा पैदा हो गया। सोलापुर के मुस्लिम समाज की जानिब से कई इल्जाम लगाए गए, लिहाजा मस्जिद और दरगाह पर एक गिरोह हमला करता है जिससे मामला और भी आगे बढ़ा, फिर हथियारों का भी खुलकर यहाँ फिरका परस्तों की जानिब से इस्तेमाल किया गया, ऐसा यहाँ की खवातीन भी बता रही थी। लिहाजा सोलापुर में आखिर क्या हुआ, अकलियती समाज के लोग क्यों डरे सहमे हैं, अरसे दराज से चली आ रही भाईचारगी को नफरत में बदलने की साजिश के पीछे कौन से चेहरे हैं, इनके तमाम तफसीलात इसी सोलापुर गाँव वालों ने बताई है। आइए देखते हैं इस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हुकेरी के सोलापुर गांव में हम यहां पर मौजूद हैं। महज दो दिन पहले यहां पर दशहरा के मौके पर जुलूस निकाला गया, जानबूझकर मस्जिद के सामने खड़े होकर तश्वीशनाक ऐलाना, तश्वीशनाक नारे और एक समाज को और ख़ासकर मुस्लिम समाज को दिल दुखाने वाले, दिल को मजरूह करने वाले नारे लगाए गए। और महज सिर्फ नारे नहीं लगाए गए बल्कि वो भीड़ जो थी वो यहाँ अंदर तक दाखिल हुई और कई सारे आपने मनाजिर अब देख रहे होंगे कि किस तरह उन्होंने यहाँ पर एक तरह का डर खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मस्जिद के ताले को भी तोड़ने की उन्होंने कोशिश की और वो दाखिल भी हुए। कई सारे यहाँ पर निशानात हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक समाज को डराने की कोशिश यहाँ पर की गई। उम्मीद करते हैं कि अब किस तरह की कार्रवाई उन पर होती है, क्योंकि जिन खबरों को दिगर मीडिया चला रही है वो एक तरफा दिखा रही है और यहाँ एक समाज को कड़गरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम यहाँ पर सोलापुर के इस गांव में हुकेरी के जो बेलगाम से 50 किलोमीटर दूर है यहाँ पर हम आकर जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं और ज़मीनी सच्चाई क्या है उस पर हम रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के ख़वातीन भी अब डरे हुए सहमे हुए हैं और इसी बात को लेकर हम तफ्तीश करते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस पंचनामा भी कर रही है और उम्मीद यही करते हैं कि मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम गांव वालों की राय लेते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि आखिर इस तरह के मामला को किसने अंजाम दिया। देखो, रात के 12 बजे जो हमला हो गया है, जो मुसलमान के औरतें जब जो थे घर में सब मौजूद थे लेकिन सो गए थे, लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं था कि दुर्गा माता जा रही है भी पता नहीं था, आ रही है भी मालूम नहीं था। लेकिन हमला कैसा हो गया मैं मान के लेती हूँ, चलो हिंदू मुसलमान भाई जो हैं, बहन भी हैं, जो हमारे साथी हैं,
ये गांव में सोलापुर गांव में बोले तो झगड़ा बोले तो कुछ मालूम नहीं था। एक साथी चलकर जो हमारे गांव के शशिराज पाटिल हैं, जो भी कार्रवाई हुई तो पहले उनके घर पे जाते थे, वहां पर जाके मौजूद जो भी झगड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी कार्रवाई उन्हों ख़त्म कर देते। जहां पर पुलिस स्टेशन तक जाना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज ऐसा किए हैं जो कोई यहां पर भी आए सब औरतें जब ये घर पर पत्थर मारने का हथियारे फेंकने का ऐसा सब करे, बाद में जाके दरगाह पर जाके हमला किए, हथियारे किए, पत्थर गाड़ी फोड़ा फोड़ी सब किए उन लोग। हाँ ऐसा करके जो शशिराज पाटिल साहब भी ये बड़े हैं, जो हुआ है ये सब इंक्वायरी करने का, इंक्वायरी करने के बाद ये पाटिल साहब भी जो हैं शशिराज पाटिल साहब जो हैं क्या नहीं, इन्हों इंक्वायरी करने का था। ये क्या हिंदू की गलत है क्या मुसलमान की गलत है, ये जो बच्चे हैं ये उर्गाटी से कार्रवाई करते रहते हैं, झगड़ा चलते रहता है, इसमें कुछ नहीं। हमारे हसन साहब मुल्ला हाँ और ये फिरोज मुल्ला इनको भी मारा गया है, हम आंखों से भी देखे हैं। ये जो हमारे दरगाह पर भी फतरे मारे हैं, हथियारे लेके फेंके हैं, गाड़ी फोड़ा फोड़ी करे, औरत पर जुल्म क्या है, इंसाफ से करो, जो करना है इंसाफ से करो, हम भी इंसाफ करने के लिए तैयार हैं। जो गली गली में जो 9 दिन थे नवरात्रि के 9 दिन थे, वो 9 दिन तक ऐसे नारे लगाते गए कि मुसलमान के बच्चे जो थे बच्चों में भी जरा गर्माहट पैदा हुई कि उन्होंने ऐसे की नारे लगा रही, उन्होंने फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं किए, उफ तक भी नहीं किए उन्होंने। नहीं, उनके तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि दुर्गा देवी की जो जुलूस जा रहा था उस पर पथराव किया गया। पत्थर नहीं, कौन भी नहीं मारे पत्थर, पत्थर कौन भी नहीं मारा है, उनके उनके से लोग पत्थर हमारे घर पे मारे हैं, हमारे दरगाहों पर अभी भी पत्थर पड़े, ऐसे ऐसे पत्थर मारे हैं वहाँ। अच्छा, बाहर के भी लोग यहाँ लाए गए, बाहर के यापार के और निर्ली के, ये सब गांव के बुलाए थे उन्हों, आयशी लोग आते। ये शाम के 8 बजे से इनकी दुर्गा माता की ये चली थी रैली चली थी, और रात के 11:30 बजे तक इधर बाजार गली में आए, उन्होंने आपको इधर हमारे घर का दरवाजे को तलवार से मारे और लकड़ी से घर के ऊपर फतरे फेंके, और हमारे दुकान के कुंडी भी तोड़े हैं उन्हें। हमको कुछ पता नहीं था, हमें नींद में से आपको भर किया मारे की मारे कर बोले में 4-5 पट मारे और भाग के गए। कैमरा है हमारे इधर एक डेयरी है अजीत मस्ते की, उनके सामने उनका कैमरा है, चाहिए तो वो कैमरे में देख सकते तुम्हें। टीपू सुल्तान का बोर्ड जलाए ना और मुस्लिम के घर के सामने झंडा लेके जाकर लगाए। संग्राम पटेल क्या दुर्गा माता लाए तब से सोलापुर चले गए थे, जाप आई तो उसी वो लोग हमारे गली में बहुत गाला दे रही, बाइका बहुत गाला दे रही, वो हमें क्या उनको उसाबरत करने गाला देती है, ऐसा जाती है हमें क्या, वो नहीं पुलिस लोग भी हमारे यो करना नहीं इनकार करनी, हमारे बच्चों को यो कर रही हूँ। अब तो पटेल हमारे सबको उस इलेक्शन ने सुन निवड़ को सब मुसलमान लाई बीच लेकर बैठ को खा को मुसलमान आ क्या गए उन्हें, अभी वो बरस में यकता यो हो को बचे देखो उन्हें सबको यो है उलट है उन्हें भी, मैं क्या है देखने क्यों रहा हूँ, हमारे क्या बच्चे नहीं क्या ऐसा बोल रहे हैं उन्हें, ये दरगाह तोड़ के मंदिर बनाते बोल रहे हैं वो, हाँ ऐसा बोलने लगे हमें, अभी क्या करना आप तुम्हें बोले। शराब की बोतला तो हाथ में है, यूं सिर्फ अपने पे मार ले रहते, तुम्हारे सोने का नाम हमें आगे के लेंगे बोल बोलते, मुसलमान के सोने भगाए बोल रहे थे, तुम्हारे बच्चा सोने अंदर फेंगे कर बोल रहे थे। देखो हमारी राय ऐसी है, हमारे जो गाँव में हिंदू मुस्लिम भाई है ये सब एक साथ में मोहब्बत से रहते है, एक साथ मोहब्बत से रहते हैं, तो ये दो चार लोग हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के हो या हिंदू लोग हो, ये चार लोग जो बच्चे जो किड़गेड़ी जो क्या भी किए है गाँव में शराब पी के, तो उस दिन दुर्गा देवी का उनका महाप्रसाद था, तो वो लोग क्या करे, दो लड़के मिलके वो महाप्रसाद करने वाले जो लोग खाना खा रहे थे वो लोगों को लाको, और शशिराज पटेल भी थे और वो बाकी के लोग भी थे, उन्हें आको समझौता नहीं किए, आको दरगाह के ऊपर पथराव करे, मस्जिद के ऊपर करे, फिर भी हमें उसे क्या करें, हमें कानून के हिसाब से कानून के दायरे में संविधान के दायरे में रोक के हमें उनको मोहब्बत से भी बोले बाबा क्या है अभी क्या हुआ सो हुआ है, अभी इसमें आगे कुछ बढ़ाने का नहीं है बोल के, तो वो न्यूज़ तेज प्रभु न्यूज़ वाले को लाको, जो उनका मंदिर था जो दुर्गा देवी मंदिर था उसमें पूजा कर रहे थे जो औरत लोग, तो हमें तो उधर गए नहीं, तो उन्हें प्रूफ करके हमारे दिखा दे कौन बाबा हमारे औरतें गए थे या कौन तो हमारे लड़के गए थे, हमें कानून के हवाले हमें मुस्लिम जमात वाले सब मिलके उनको कानून हवाला करते हैं, तो ये झूठ जो दहशतवाद कराए कौन न्यूज़ वाला, तो इसका क्या है कानून कार्रवाई में, तेज प्रभु न्यूज वाला गलत न्यूज दिया है, तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के स्थिर ये आदमी ने झूठे मैसेज देके हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने का ये तरीका कर रहा है कौन न्यूज वाला।
ऐसा करके हर गलियों में घूमते गए वो। और मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, 80% लोग हैं इधर उनके अदर कास्ट के और मुस्लिम 20% है, मुस्लिम 20% होके ऐसा कहीं को कर रहे हैं करके उन्होंने पूछ रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले गलत फहमी फैला रहे हैं सब तरफ, लेकिन मीडिया वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। वो उधर से 100-150 लोग आके मस्जिद और दरगाह पर भी हमला किए, ये ठीक नहीं है। कोई 2 लोग या 4 लोग दारू पी के या तो शराब पी के जो झगड़ा के, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ अभी जो झगड़ा फसाद होने के बाद गांव के मेन लीडर और तालुके के प्रमुख शशिराज पाटिल ने आम आदमी में महादेव मंदिर में जाकर मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनसे कोई लेना देना न करे, मुसलमानों से संबंध न रखे, या आम पब्लिक में बता दिया उन्होंने। इस पर हुकूमत बजाते खुद इस पर दखल दे और उन फिरका परस्तों पर सख्त कार्रवाई करे, यही मुतालबा बार बार यहाँ पर खवातीन हो या मर्द हजरात हो वो करते हुए देखने को मिल रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।